हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे एक टेक्स से कैसे कटोरी बना लेना चाहिए और बिना कटिंग किए। खाली एक ही टेक्स लगाएंगे और कटोरी जैसा शेप आता है क्रॉस में। तो चलिए शुरू करते हैं। ये अस्तर है और ये ब्लाउज का पीस है, तो मैं उसका अभी शुरू करती हूँ। कपड़े पे बताती हूँ। तो देखिए, इसका कटोरी नहीं निकालने का रहेगा। देखिए फ्रेंड्स, मैं इसको डबल में रखेगी, इस तरह डबल में रखेगी, ये देखिए, ताकि बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों निकल जाए। क्योंकि मुझे कटोरी का कटिंग साइड में नहीं कटिंग करना, इसी पे एक ही टेक्स लगा के किस तरह कटोरी बन जाना चाहिए क्रॉस में, वही बताएगी मैं आज। फ्रेंड्स, इसको मैं लेगी 16 इंच लंबाई, गला में 2.5 इंच लेगी, शोल्डर में 3 इंच लेगी, गला का लंबाई में 5.5 इंच लेगी, शोल्डर का लंबाई में 6.5 इंच लेगी, तो छाती में 11 इंच लेगी इसका, तो 3 इंच मार्जिन के लिए निकालेगी मैं, कमर में 9.5 इंच लेगी और यहाँ पे भी मैं 3 इंच बढ़ाएगी, ये देखिए, पट्टी में 3 इंच का लेगी, यहाँ पे मैं 2.5 इंच निकालेगी, मैं यहाँ पे 3 इंच कपड़ा छोड़ेगी, 3 इंच छोड़ने के बाद में फिर 3 इंच लेगी टेक्स के लिए, ये देखिए 3 इंच लेगी टेक्स के लिए, 3 इंच टेक्स में जाएगा, ये देखिए, इस तरह क्रॉस में करने का, क्रॉस में आना चाहिए, तो 3 इंच से क्रॉस में लेने, 3 इंच से ज़्यादा ही हो रहा है, 3.5 इंच आ रहा है, तो देखिए फ्रेंड्स, मैं इसको इस तरह मेरा गोलाई नहीं देगी मैं कटोरी का, मैं डायरेक्ट इसे बनाएगी एक ही टेक्स पे, देखने का कितना सुंदर कटोरी बैठ जाती है। तो हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये फ्रंट पार्ट है, ये बैक पार्ट है, दोनों निकल जाएगा इसी में, ये देखिए, अभी मैं इसको कटिंग करेगी। ये देखिए, कटिंग करके हो गया है। अभी मैं इसी को रख के कपड़े पे कटिंग कर देगी। ये फ्रंट पार्ट हो गया, ये बैक पार्ट हो गया, और यहाँ से मैं कट मार देगी, ये देखिए, इस तरह मैं कट मार देगी यहाँ पे। ये देखिए, गला में कटिंग कर ली, और अभी मैं ये पट्टी भी 1/2 इंच यहाँ पे बढ़ा के कटिंग करेगी मैं, ये देखिए इस तरह, ये देखिए। हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए, मैं कपड़े पे रख ली हूँ इसको भी और इसको भी, अब मैं अभी कटिंग करेगी, ये देखिए यहाँ पे इतना बढ़ रहा है, तो मैं इसको बाद में निकाल देगी कपड़े को। ये बैक पार्ट हो गया फ्रेंड्स, ये देखिए, मैं इसको रख ली हूँ, इसका जितना कपड़ा रहेगा चौड़ाई में उतना रख ली हूँ, क्योंकि टेक्स में कपड़ा जा, इसके लिए मैं पूरा ले ली हूँ। तो ये देखिए, ये भी कटिंग करके हो गया फ्रंट पार्ट, फिर मैं इसको साइड रख देगी। हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए, अभी मैं बाजू कटिंग करेगी, मैं यहाँ पे 2.5 इंच लेगी और इस तरह क्रॉस में लाइनिंग देगी, और यहाँ पे मैं 5 इंच रखेगी, ये देखिए, मैं यहाँ पे 5 इंच रखी हूँ, बाजू बनके तैयार हो गया है। पहले मैं क्रॉस वाला कटिंग कर लेगी, ये देखिए कितना सुंदर सा बाजू निकल गया है। हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए, बेल्ट का पट्टी कटिंग करेगी, मैं इसी को रख के कटिंग करेगी, ये देखिए, इसी का रख के मैं शेप ले लेगी। तो हेलो फ्रेंड्स, ये टेक्स मैं लगा लेगी।
तो हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए नीचे का जो बेल्ट पट्टी होता है उसको मैं ज्वाइंट कर लेगी और एक ही टैक्स लगाएगी। तो फ्रेंड्स ये देखिए इसको इस तरह गोल गोल कर लेगी इस तरह, ये देखिए, और इसको बीच में करके फिर सिलाई मार देगी। तो ये देखिए, तो फ्रेंड ये देखिए ये बेल्ट पल्टी लगा के हो गया है, किस तरह कटोरी बनके तैयार हो गई है। ये देखिए इसको मैं कटिंग नहीं की हूँ, इस तरह डायरेक्ट टैक्स मार के और बेल्ट पट्टी लगा दी हूँ। तो देखिए तो भी कितना सुंदर सा बन के तैयार हो गया है। तो हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए 5 इंच चौड़ाई में ली हूँ पट्टी के लिए, जहाँ पे हुक का कर्ज किया जाता है उसके लिए है। तो मैं इस तरह मोड़ेगी तो 2.5 इंच आ रहा है। तो देखिए इस तरह मोड़ने का और यहाँ पर इस तरह पकड़ने का और लगा देने का। तो देखिए अभी मैं सिलाई मारेगी। तो ये देखिए फ्रेंड, इसको इस तरह, ये देखिए इस तरह मोड़ लेने का इस बाजू में, ये इस तरह, ये देखिए यहाँ पे हुक का कज लगाते हैं, तो इस तरह बाहर की तरफ मोड़ लेने का। तो ये देखिए, तो हेलो फ्रेंड्स ये देखिए 2 इंची चौड़ाई में पट्टी ली हूँ जो बटन के लिए होता हुक के लिए। तो अभी मैं 2 इंच का हाथ इस तरह मोड़ेगी तो 1 इंच हो रहा है कि अंदर की तरफ मोड़ने के बाद में। फिर ये देखिए इस तरह मोड़ लेने का अंदर की तरफ, और फिर जहाँ पे आपका बटन रहेगा वहाँ पे इस तरह पकड़ने का। और फ्रेंड्स इसको अंदर की तरफ सिलाई मारने का, बाहर की तरफ मोड़ने का रहेगा। तो ये देखिए अभी मैं इसको अंदर की तरफ मोड़ लेगी इस तरह, ये देखिए इस पर सिलाई चला देगी मैं। पे भी मैं सिलाई मार ली हूँ और यहाँ पे भी सिलाई लगा दी हूँ, और मैं देखेगी इसकी लंबाई कितना है, कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम है। तो ये ज़्यादा लग रहा है। तो ये देखिए अभी मैं बराबर कटिंग कर ली हूँ, इसका जो है तुरपाई के लिए पाइपिंग लगा देगी। ये देखिए पाइपिंग का कपड़ा है, इस तरह मोड़ लेगी मैं। तो फ्रेंड ये देखिए इस तरह मैं दोनों ज्वाइंट कर लेगी पाइपिंग का, ये देखिए, और इसको मैं अंदर की तरफ मोड़ देगी क्योंकि ये तुलपाई के लिए मैं कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए किस तरह तुलपाई के लिए मैं पाइपिंग लगा दी हूँ, और ये देखिए सिलाई करके इसका हो गया है, जो कि मैं कटिंग नहीं की हूँ, यहाँ से डायरेक्ट है कटोरी का। ये देखिए तो भी मैं टोटल सब ज्वाइंट करेगी और इस तरह दोनों ज्वाइंट कर लेगी मैं। तो हेलो फ्रेंड्स ये देखिए मैं ज्वाइंट करेगी अभी इसको। तो हेलो फ्रेंड्स ये देखिए ज्वाइंट करके हो गया है, अभी मैं आस्तीन लगाएगी, ये देखिए अभी मैं आस्तीन लगाएगी। तो ये देखिए फ्रेंड ये बाजू ज्वाइंट करके हो गया है, तो अभी मैं इसको सिलाई मारेगी। ये देखिए
तो फ्रेंड्स देखिए अभी मैं बाजू फिटिंग कर देगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स अभी जॉइंट करके हो गया है, तो मैं इसको सीधा करेगी। ये देखिए ये मार्जिन का कपड़ा है, ये देखिए मार्जिन में कपड़ा आया इतना बचा हुआ।